Welcome back जी morning में अब हम आपको बताएंगे एक रेसिपी जो कि बना सकते हैं और अपने को सजा सकते हैं। नुमान मेरे साथ है. वाले 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 कैसी हैं का है? है, रोज़ों में इफ्तार पे बना सकते हैं के ही है. ठीक है uh, क्योंकि रोज पकौड़े और समोसो से थोड़ी डिफरेंट चीज भी होनी चाहिए और सबसे इसकी जो अच्छी बात है जल्दी बन जाती है बिल्कुल सही तो क्या, क्या क्या कुछ डाल रही हैं आप इसमें इसमें चिली सॉस है सोया सॉस सरका ये तो जो हमारी नॉर्मल सॉसेज होती हैं वो पेपरिका, सॉल्ट मिक्स हर्ब्स हैं कॉर्नफ्लोर ब्लैक पेपर और आ, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गार्लिक पाउडर है ठीक है उससे इसमें फ्लेवर जो है वो और इसमें आएगा ठीक है तो और इन सब चीज़ों को हम वन वन टीस्पून है मैंने हाफ के जी इसके स्ट्रिप्स काटी है ना चिकन की ठीक है तो इसमें सब चीज़ें ऐड करके वैसे हमारे पास टाइम कम है वैसे आप इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें ठीक है ताकि सारे जो मसाले हैं वो अंदर तक इसमें आ जाए चिकन ठीक, ठीक, ठीक है और क्वान्टिटीज़ है वो हम रेसिपीज़ में नोट करवाएंगे कि क्या क्या आ, ये मैंने सब एक एक टी लिया ना ठीक हाफ के जी में वन वन टीस्पून सब चीज़ें ठीक है बराबर का ही रेशो है और ये हाफ कप है फ्लोर ठीक है जो आप इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए हुँ. और ये जो हमने इतने रमजान में समोसे और रोल बनाए हैं जो लेफ्ट ओवर बच जाता है उसकी आप पतली पतली स्ट्रिप्स काटें और इसको इस तरीके से आप यूज़ में लेके आ सकते हैं चले शुरू करते हैं अब हम रेसिपी बनाना बिल्कुल और इसको हम फ्राई करेंगे क्या इसको हम डीप फ्राई करेंगे ठीक right, है सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट एज पर टेस्ट और ये है पेपरिका पेपरिका मैंने इसमें वो ये आम लाल मिर्च भी चल सकती है पेपरिका ना हो पेपरिका अच्छा, पेपरिका और लाल मिर्च में थोड़ा सा फ्लेवर में फर्क है अच्छा, ये तेज़ नहीं है इसकी जगह हम आ, जो है वो डाल रहे हैं ना इसमें आप ब्लैक पेपर डाल रहे हैं टेस्ट है। के लिए ये वन वन टी स्पून है हमने करके रखी सोया सॉस ये चिली सॉस है और ब्लैक पेपर डालेंगे काली मिर्च डाल दी हमने तकरीबन वन एंड हाफ टी स्पून ठीक है और ये गार्लिक पाउडर भी इतना ही जाएगा क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है ना वो अन्हास होगा ठीक है डेढ़ चाय का चम्मच हमने उसमें गार्लिक पाउडर भी डाली ये दी है। मिक्स है आपसे इसमें औरगेनो थाइम और पार्सले सब इसी में ऐड है सही आपदा लदा भी ले सकते हैं और एक अंडा और ऑर्गेनो पार्सले मतलब ऑर्गेनो पार्सले ये सब चीज़ें मिक्स एक बराबर की हैं बिल्कुल एक बराबर की हैं ठीक है अंडा भी डाल दिया अंडा डाल दिया और इसी में आपने कॉर्नफ्लोर डाला ठीक है कितना कॉर्नफ्लोर है तकरीबन एक कप है सही एक खाने का जो एक मेजरिंग कप चाहे, जो है वो जो स्टैंडर्ड हमारा कप होता है ना ठीक आम जो हम चाय के लिए पी होते हैं नहीं नहीं जो मेजरिंग कप है ठीक है इसको हमने इसको सिर्फ और सिर्फ आ, मिक्स किया मिक्स करके और इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए सही ठीक लेकिन अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे हम इसको हम इसको तो बना लेंगे, बना लेंगे लेंगे ऐसे ना पे बनाना है तो आप ये काम भले अभी से करके रख दें आधे घंटे से ज्यादा भी छोड़ सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप सुबह बाकी जो किचन का काम करते हुए इसको बना के रख दें अभी देख रहे हैं शो हमारे साथ साथ देखने के बाद अगर आपको लगता है रेसिपी पसंद आती है चीजें मौजूद है तो बना के रख लें कोई ऐसी चीज़ हमने एक्स्ट्रा तो इसमें डाली नहीं जो अमूमन घर में नहीं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि ये नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं आप अपनी मर्जी से अगर कुछ नहीं भी है इनमें से तो आप लाल मिर्च आदि चीज़ें डाल के तो वो कर लें ट्राई कर लें कम अज़ कम रेसिपी ट्राई कर लें और फिर अगर आपको पसंद आती है तो उसे अपग्रेड करते रहें टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता रहेगा बस आपने इसको मैरिनेट कर लिया एक एक स्ट्रिप्स उठानी है इसकी ठीक है और इसको हमने इसमें रोल करना है ये हमारी थ्रेड चिकन बन रही है ये हमारा आ, समोसा रोल पट्टी जो जी जो लेफ्ट ओवर बच जाती हैं बाजू का तो वो पट्टियाँ खोलें तो उसमें से आ, सही भी नहीं निकलती है। होती हैं तो उसको फेंके नहीं उसको इस तरीके से इस काम में ले आए बिल्कुल सही तो ये हमने इसके ऊपर चिपका लिया ये हमारी इसके साथ चिपक गई तो जब ये फ्राइंग के बाद ये थ्रेड की शक्ल में आ जाएगी तो ये हमारा थ्रेड चिकन बन जाएगा मैं कहूँ कि थ्रेड चिकन

आप इसको जो जो बच जाते हैं फ्रिज में रखे हुए जब पैकेट से निकलते हैं तो वाकई ड्राई हो जाते हैं इसको डीफ फ्रीज़र में रखें और जब ये आपको यूज़ करना है ना उसे एक डेढ़ घंटा पहले एक किचन टॉवल लें उसके अंदर रोल करके रख दें ठीक है और वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर जाएगा किचन टॉवल और उसके अंदर जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट निकल आपको मिलेंगे सो बजाय के फ्रिज में रखें हमें फोज यही बता रही है कि हम इसको फ्रीज़र में रख दें ठीक है तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर हम फ्राई करेंगे साथ साथ ही फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल ऑयल हमने गर्म कर लिया है चेक कर लेते हैं अपना ऑयल और ये डीप फ्राई है या डीप फ्राई है अच्छा अच्छा लेकिन डीप फ्राई जो हम करेंगे इसको थोड़ी सी मीडियम हीट पे करेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए तो अंदर तक जो है वो पक जाए आपकी ना ठीक है सो इस तरह से हमने इसमें अपने ये थ्रेड चिकन जो है वह डाल दिए और इनको अब हम कर लेंगे फ्राई और फ्राई होने के बाद हम इन्हें निकालेंगे और आप अपनी पसंद की चटनी जो है उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं किस चीज़ कौन सी चटनी के साथ सबसे ज़्यादा मजे के लगते आ, हैं वैसे जो आ, मैं बनाती हूँ इसको एक आ, मायनेस बनाती हूँ घर पे ही उसमें गार्लिक ऐड करके उसके साथ बहुत उसका यानी मायनेस में गार्लिक ये गार्लिक पाउडर या नहीं, आम लहसुन चॉप करके आ, फ्रेश वाला अच्छा फ्रेश वाला उसमें आप ऐड करें और उसके बाद उसको तो उसमें थोड़ी से अपने हिसाब से हर्ब्स डाल लें जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल के तो उसके वो एक रख लें या आप केचप और मायनो इसको मिक्स करें उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल दें ठीक है डन तो मतलब तो भी भी जब तक बाकी जो इनको फ्राई कर रही हैं हम आपको जल्दी से रेसिपी नोट करेंगे कराएंगे ताकि अगर कोई चीज मिस है तो वो दोबारा से लिख लें वेलकम बैक रेसिपी आपने नोट की है और जब आप रेसिपी नोट कर रहे थे एक तो देखिए हमने बिल्कुल आंच धीमी कर दी एक दफ़ा जब वो हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हुए और उसके बाद हमने इसे ढक दिया था है ना ढका इसलिए था पाँच मिनट के लिए लाजमी ढके क्योंकि स्टीम से अंदर जो चिकन कच्ची थी वो पक जाए और हल्की आग हल्की करके ऊपर से ना जले और अंदर से कच्चा ना रह जाए ठीक है तो पहले आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे उसके बाद इसको हल्की आग पे करके पहले लो फ्लेम पे उसके बाद मीडियम कर दें जब आप स्टीम पे रखें तो मीडियम पे रखें ठीक है ताकि उसके अंदर के जूसेस निकल के और वो गल जाए ठीक है तो चिकन भी गल जाए और ऊपर से गोल्डन भी हो जाए जो कि आपके सामने हो गया अब हम इसको सर्व कर कर करेंगे और सर्व करके आप देखेंगे कि हमारी रेसिपी जो है ये कैसी दिखती है तो हम इसमें निकालते जाते हैं और रखते जाते हैं

उसमें रख दें फ्रीजर में रख दें ठीक है ये आपके ईद में भी काम आएगा ना हाँ ट्रॉली ईद की ट्रॉली बाद भी जब आप कोई भी मेहमान आ रहा है चाय के लिए आपने कोई भी अरेंजमेंट करना है सर्व करना है तो आप बड़े आराम से इसको थ्रेड चिकन को ट्राई कर सकते हैं जो कि आपके साथ फौजिया ने आज शो में शेयर किया है सो ये देखिए आप हमने ये सब और आपकी चॉइस ऑफ जिसे कहते हैं चटनी आपकी अपनी है जिस चीज के साथ आपको लुत्फ आता है जिस चीज़ के साथ आप समझते हैं कि आप खाना पसंद करेंगे उसके साथ आप इसको खाएं और इन्जॉय करें चल तो हम इसे प्रेजेंटेशन पे रख रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें और जब आप ख़ुद बनाएं तो तब भी आप इसको इसी तरह से बनाइएगा ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा सो so ये रहा हमारा आज का थ्रेड चिकन आई होप कि आप रेसिपी फॉलो करेंगे और बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप, आप आ जाइए और आपने हमारे साथ इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी जो है वो शेयर की है और आपका भी शुक्रिया आप हमारे साथ रहे दुआओं में आज मुझे और मेरी टीम को भी जरूर याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन आपसे फिर मुलाकात होगी उस वक्त तक के लिए अल्लाह